ये पढ़नी है इन्होंने 786 दफा। सूरह मुमतैना रोजाना 5 दफा पढ़नी है। सूरह नंबर, सूरत सूरह मुमतैना सूरह नंबर 60 है, ये ठीक है। सूरह नंबर 60 है सूरह मुमतैना। ये रोजाना 5 दिन पढ़नी है 50 दिन तक, ठीक है ना। और कोशिश करें, 50 दिन वालदा को तक बोलें कि ये पढ़ लेंगी, वैसे ये इबादत वगैरह तो करती हैं ठीक ठाक। 5 मरतबा 50 दिन। हाँ, ये 50 दिन तक पढ़नी है। और बाकी ये कि एक काम करें कि या मुतालो पढ़ेंगी ये 541 टाइम्स रोजाना, और बेटी के गुस्से 500 N41 और बेटी के गुस्से के लिए ना ये चारों कुल पढ़ेंगी 4 दफा रोजाना। पानी दम करके दें इनको, बेटी को। ये छोटी सी चीज करें। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये जो आप जो जो ये रहते हैं पाकिस्तान में, ये डबल स्टोरी घर है इनका, सिंगल स्टोरी है? किस जगह रहते हैं पाकिस्तान में? पंजाब में है, गुजरात के पास। अच्छा, पंजाब में। कोई सदका वगैरह, कोई जी बाजी, सदका वगैरह। हाँ, सदका वगैरह भी बता रहा हूँ इनको। एक इनको हर तकरीबन महीने में एक दफा ना, कम से कम महीने में एक दफा जो है, एक आध अगर कर सकें तो एक आध किलो गोश्त गरीबों में, जानदार का सदका, गोश्त जानदार का सदका होता है। वरना ये कि एक मुर्गी कटवा के वो भी जो है गरीबों में, जानवरों को मत डालें, ये इंसानों को खिलाना है। पाकिस्तान में गरीब बहुत है। और ये करना शुरू कर दें बाजी, फिर उसके बाद जो है सूरह मुमतैना रोजाना एक दफा पढ़ें। इनकी शादी नजर आ रही है, लेकिन टाइम जो है ना इसमें लग जाएगा इनको 2008-09। दो हजार 14 और 15 के बीच में नजर आ रही है मुझे। हाँ, ये भी टाइम है इनको। जब तो मैं कौन से पढ़, कलर के कपड़े वगैरह पहने, या कोई अंगूठी अगर पहने, हाँ कोई मैं बता देता हूँ, अगर वो सारी चीजें मैं बताता हूँ 2 मिनट में। रंग जो है इनको बोलें कि ये बेज पहने ज्यादा, इनको वैसे भी बेज पसंद है। हाँ, बेज कलर जो है ना, बेज जो है वो पहने ज्यादा, येलोइश बेज, नॉट द ब्राउन बेज, द येलोइश बेज, पीले से जो ठीक कलर है होता है ना, येलोइश बेज पहले। और पत्थर जो है ना इनको अगर पहनाना है तो इनको जो है मून स्टोन पहनाए कि इनको तबीयत में ठहराव आए, ठीक है। ये हो गया। बाकी ये कि लकी नंबर 9 है इनका, और जी दिन कौन सा अच्छा है? दिन दिन इनका बता रहा हूं मैं, दिन इनका फ्राइडे अच्छा है, और इसकी सेहत कैसी है? ट्यूसडे जो है इनके लिए नहस है। हेलो जी बाजी, ट्यूसडे नहस है। और मैं आपको जैसे मुस्तकबिल बीनी निकालते हैं ना, मैं छोटा सा एक वो बता देता हूँ आपको, इनके भारी साल कौन से आने वाले हैं जो अच्छे साल नहीं है। 2016 ये मार्च अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये नहीं, मार्च अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने। ये 2016 में मार्च से लेकर सितंबर तक जो है ना इनका भारी टाइम है, उसके अंदर सदके ज़रूर उतारिएगा। लेकिन अल्लाह ताला करेगा इनकी शादी हो जाएगी तो फिर तो ये कहीं और की हो जाएंगी ना। तो फिर सेहत कैसी रहेगी इसकी? सेहत इनकी ठीक रहेगी माशाल्लाह से। देखें, सेहत इनकी ठीक रहेगी, मगर मैं एक चीज़ अभी से बता दूं कि इनको चीनी से दूर रहें, इनको बोले मीठे से दूर रहें मीठा नहीं खाए, जी। मीठा नहीं खाए। हाँ, मीठा ना खाएं, मीठा कम खाएं, और डॉक्टर जी पी से रबते में रहें भले पाकिस्तान हो, मीठे से दूर रहें। इसकी वजह जो है ये आपको अभी नहीं, तकरीबन 20 साल बाद, 15 साल बाद पता चलेगी कि किसी ने कहा था मीठे से क्यों दूर रहें। तो ये चीज़ है। बाकी
2016 में ये चीज़ है, इनका अच्छा टाइम जो है उससे पहले आएगा, जो शादी का टाइम होगा उससे लेकर ये 2016 मार्च तक जो है बहुत अच्छा टाइम है, उसके बाद फिर जो है टाइम ख़राब आएगा इनका। और वैसे भी जब ये शादी हो जाएगी इनकी, इनको जो जो झलक आ रही है ना बाजी, ये ए की आ रही है और एच की आ रही है शादी की, यानी कि जो नाम का पहला हरूफ है ना, अच्छी रहेगी मैरिड लाइफ। हाँ, मैरिड लाइफ माशाल्लाह से अच्छी रहेगी। देखें, ये गुस्सा इनका प्रॉब्लम है, गुस्सा जो है ना इनका एक प्रॉब्लम है लाइफ का, तो ये गुस्से पे अगर काबू रहती है जी, बहुत खामोश रहती है। हाँ, वो अंदर कुटती है ना, वो ये चीज़ है, लेकिन शादी के बाद तो ये खामोश नहीं रहेगी, ये बोलेगी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि मैं वैसे पूछ रहा हूँ, ये देख नहीं रहा ना पूछ रहा हूँ, ये जिस घर में ये है, किसी को अल्लाह ना करे दौरे वगैरह तो नहीं होते? नहीं, बस ठीक है, ये वैसे पूछ रहा था मैं, ये इसकी कोई वजह नहीं है, वैसे पूछ रहा हूँ। और इनको बोला करें बाजी, अगर ये खा सके ना नारियल खाएं। अच्छा, हाँ वो अच्छा रहेगा। हाँ, वो अच्छा रहेगा इनकी सेहत के लिए भी, और वैसे भी जो है ना नारियल जो है ना इनके लिए जैसे कि होता है ना गुड लक लाएगा नारियल, कोकोनट जैसे कहा जाता है जी। और मैंने जैसे शुरू में बताया कि आपका कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इशू जो भी है, तो आप अपने जो जीपी है जरूर साथ साथ रब्ता रखिएगा, ठीक है जी। हेल्थ के मुताबिक आपका कोई भी इशू है तो आप अपने जीपी से जरूर रब्ता रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुरान और हदीस की रोशनी में बात होती है जी। निहाल में कॉलर भी चली गई है। एनीवे जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अगर आप में से कोई कॉल करके हमारे साथ शामिल होना चाहे तो जी आप ज़रूर हो सकते हैं, नंबर हमारे आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप लाइव शामिल होना चाहें तो उसके लिए इंटरटेनमेंट का नंबर है, बाकी अगर आप शाह साहब से प्राइवेटली बात करना चाहें तो उसके लिए प्री बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है। हमारा कस्टमर केयर का नंबर वो भी आपकी स्क्रीन पर, आप चाहें तो आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं जी। जी शाह साहब, तो बात हो रही थी तसव्वुफ की, रूहानियत और तसव्वुफ की। तसव्वुफ जो है एक सिलसिला है, एक तरीका है, जैसे शरीयत है, शरीयत में सुतून है बाकायदा, तसव्वुफ जो है उसके भी एक कानून है। लेकिन लोग आजकल जो है वो कहते हैं कि नहीं कानून नहीं है, उसको उलट पुलट करके इजी वे आउट ढूंढ लेते हैं कि नहीं। और आप बता रहे थे ना कि जैसे हम पढ़ते हैं तो क्लासेस में कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो पढ़नी पड़ती हैं, जो लाजमी लाजमी हमारे होते हैं, लाजमी होती है, लाजमी सब्जेक्ट होते हैं। तो ये रूहानियत क्या तसव्वुफ के रास्ते में? हाँ, रूहानियत जो है वो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है जो आता है, यानी कि जैसे कि समझ लें कि अगर आप सिंध में रह रहे हैं तो सिंधी लाजमी पढ़नी है आठवीं जमात तक, भले आपको आए या ना आए, वो एक लाजमी एक मस्ट है जो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से। उसी तरह रूहानियत जो है, शाह साहब कॉलर है, कॉलर शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है? सीमी बोल रहे हैं। सीमी जी, जी सिमी, क्या हाल है आपका? ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। काफी अरसे के बाद आपने कॉल की ना? हाँ जी, क्या साहब तो काफी अरसे बाद आए टीवी पे। आप पाकिस्तान गए हुए थे ना? हाँ जी, मैं तो शादी करके आए। शादी कैसी गई? तरह की जूता है मैंने शाह साहब को, अच्छी गई है। अच्छा माशाल्लाह, बात करें जी शाह साहब जी। सलाम बाजी। वालेकुम सलाम शाह साहब, कैसे हैं बाजी? ठीक है आप? बहुत टाइम हो गया बात हुए हुए जी। आपको पता है? हाँ, मामला मुझे ये बताएं कि आसिम तो बाहर आ गया जी, लेकिन वो सिगरेट वगैरह पीता है, इतना पीता है कि उसको कहने के बावजूद वो सिगरेट वगैरह नहीं छोड़ा। अच्छा, जरा दोबारा बताएंगे बाजी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आसिम की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, आसिम आ गया, ठीक है, चलो ठीक है, शुक्र। आप हाँ, वो मैंने लिया था ना वजीफा, तो हाँ, आपने मुझे बताया था, हाँ, तो हाथ हो गया है वो, लेकिन वो जो सिगरेट पीता है बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है। हाँ, पहले जैसे वो सारी रात जगता रहता है, शादी के टाइम जो है वो सोता है, तो वो सिगरेट इतने पीता है कि मैं बता नहीं सकती आपको। ठीक है, अच्छा एक काम करें, रोजा वगैरह तो नहीं रखता ये? नहीं, वो क्योंकि उसको इंजेक्शन लगता है, हाँ, तो उसकी वजह से उसे फिर भूख बहुत लगती है, तो वो रोजा रख नहीं सकता। हाँ ठीक है, अब एक काम करें, मैं पढ़ने को बताता हूँ जी।
ठीक है ना। एक तो ये कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 786